नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के एयरपोर्ट के पास दोहरा आत्मघाती हमला, 13 लोगों की मौत, कई घायल। अलकायदा से जुड़े अल शबाब आतंकी संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। हिलेरी क्लिंटन ने रचा इतिहास, डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी जीत, बनी अमेरिकी राष्ट्रपति पद की पहली महिला प्रत्याशी। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से होगा मुकाबला। ईमेल विवाद पर डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बर्नी सैंडर्स से मांगी माफी। सैंडर्स ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन का किया समर्थन। हिलेरी को बताया डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर विकल्प। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच बड़ी तलखी, अमेरिका को दी भारी कीमत चुकाने की चेतावनी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने उत्तर कोरिया को ईरान से सबक सीखने की दी थी नसीहत। विवादित चीन सागर पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी, इस मामले में हमारा कोई रुख नहीं, विवाद को सुलझाने में चीन करे कानून का पालन। फ्रांस में संदिग्ध आईएस के हमलावरों ने पादरी की ली जान, पुलिस ने हमलावरों को किया ढेर। हथियारबंद दो हमलावरों ने चर्च में पादरी समेत लोगों को बनाया था बंधक। तो यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।